अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एन इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई एस सी एल आई एस एम एल आई एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्प्टी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि है यहाँ पर झज्जर हरियाणा में और यहाँ पर रिक जो रिक्वायर एप्लीकेंट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस तो नॉन टीचिंग पोस्ट एंड टीचिंग पोस्ट दो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर वेकेंसी निकली हुई है तो आपके लिए जो है लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए बाकी और भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हो सकता है अगर वो लाइब्रेरी के नहीं है तभी भी आप इसको आप आपके लिए भी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही रहा है हर चीज़ से रिगार्डिंग तो टीचिंग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे पूरा मेंशन है फिर नॉन टीचिंग के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी के इसी में है तो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए जो सेकेंड नंबर पर लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है उसके अलावा यहाँ पर जो कि है यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइब्रेरी अटेंडेंस तीन वैकेंसी है तो टोटल चार वैकेंसी एक लाइब्रेरियन की और तीन जो है यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंस की क्वालिफिकेशन पे स्केल एंड एक्सपीरियंस एज पर नॉर्म्स ऑफ जो ए आई सी टी ई है इसके अकॉर्डिंग यू जी सी या स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग एम डी यू रोहतक द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अप्लाइड साइंस बी सी ए बी बी एंड लाइब्रेरियन इज नेट और पी एच डी ये क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अलावा अगर आपको मतलब कोई आपको और इंफॉर्मेशन जानना हो तो आप इनके वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जहाँ से आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट देखिए पे इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे डाउनलोड और ओप्टेन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड मे अप्लाई बाय द टू द चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट विद इन ट्वेंटी वन डेज मतलब आप जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से ऑनलाइन ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉलेज से भी जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं और फिल कर सकते हैं इक्कीस दिन से पहले पहले उसमें आपका ई मेल आई डी हैंड रिटर्न विद कापी ऑफ जो टेस्ट मनी हो गया क्वालिफिकेशन जो भी आपका लग रहा है एक्सपीरियंस Uh, वगैरह जो भी है बट नॉट लेटर देन दस दस मार्च से पहले पहले आपको भेज देना है लास्ट डेट है दस मार्च अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द डीन कॉलेज डिपार्टमेंट काउंसिल एम डी यू रोहतक इज ड्यू ड्यू डेट मतलब इससे पहले, पहले पहले आपको भेज देना है नोट की बात करें तो ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हु एप्लीकेशन्स फॉर्म इज आर रिसिव्ड इन द इंस्टीट्यूट एज वेल एज इन दफिस ऑफ द डीन कॉलेज डिपार्टमेंट काउंसल इज रोहतक इन ड्यू डेट विल भी कॉल फॉर इंटरव्यू तो जिनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर पहुँचेगा डेट से पहले पहले उनको ही यहाँ पर सलेक्शन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चले या जो भी है मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे भेज देना है ताकि कहीं से भी उनको एक मतलब रीज़न ना मिले कि आपको इंटरव्यू आपका ना हो तो वही है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है तीन लाइब्रेरी अटेंडेंस की एक लाइब्रेरियन की तो दोनों में से किसी के लिए भी आप अप्लाई आप, कर सकते हैं और आ, मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तो हमारी तरफ से यही है कि जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किस अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद